नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर से अपना नया ट्यूटोरियल लेकर। और बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का जो प्यार मुझे मिल रहा है, आपके कमेंट्स, आपके फ़ोन कॉल्स मेरे पास बार बार आते रहते हैं। आपके जो भी कंफ्यूजन होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि फ़ोन पे वो कन्फ्यूज़न आपके क्लियर किए जाएँ। और फिर से मैं आपको यही कहता हूँ, जब भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहे, आप कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आप मेरे पास डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज मैं एक ख़ास चीज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। देखिए, मेरे पास बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं, हिंदुस्तान से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, और वो एक चीज़ पूछते हैं। कई बार एक कन्फ्यूज़न होता है कि सर हमने नया सैक्सोफोन लिया है, लेकिन क्या है कि इसका ऑक्टेव की जो है, ऑक्टेव की ये वाला की जो हमारा ऑक्टेव की होता है, ये काम नहीं कर रहा है। दरअसल क्या होता है कि ऑक्टेव की जो होता है, ऑक्टेव की जब दबाया जाता है तो हमारा जो ये नेक के ऊपर वाला जो ये बटन होता है, ये मूव करता है। तो हम लोग सोचते हैं कि जब ये हम लोग ऑक्टेव की दबाते हैं तो ये मूव करना चाहिए, लेकिन कई केस में ये मूव नहीं होता। तो बोलते हैं सर हमने नया सैक्सोफोन लिया है और इसमें ये मूव नहीं हो रहा, या ये लेट रिस्पॉन्ड कर रहा है। सो मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों, ऑक्टेव की का मतलब ये होता है कि जब ऑक्टेव की आप दबा देते हो तो आप नेक्स्ट ऑक्टेव में एंटर कर रहे हो। एक सरगम से मतलब कि जैसे आपने मंद्र सप्तक बजाई, उसके बाद आप फिर मध्यम सप्तक में जा रहे हो, फिर आप तार सप्तक में जा रहे हो। ये हारमोनियम में भी इसी तरीके से होता है, सभी लगभग सभी इंस्ट्रूमेंट में इसी तरीके से होता है। तो इसमें भी वही है। इसमें क्या है कि आप जब नेक्स्ट सप्तक में जाते हो तो उसमें ऑक्टेव की का यूज करते हो, लेकिन क्या है कि अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑक्टेव की है और मैं इधर से जब ये नीचे वाले जो राइट हैंड की जो मेरी फिंगर्स हैं इनको मूव करता हूँ, तो मेरा जो ये ऑक्टेव की है ये ऊपर से, यानी नेक के ऊपर से, देखिए कोई भी मूवमेंट इसमें नहीं होगा। जबकि जब मैं इसको अपनी लेफ्ट फिंगर्स को यूज़ करता हूँ तो ये मूव कर, आप देख सकते हैं। खैर, इसका रीज़न क्या होता है कि ये क्यों मूव नहीं करता? दोस्तों, अगर आप यहाँ पे, जहाँ पे आपकी सैक्सोफोन की नेक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक छोटी सी की दी हुई है, ये बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे एक छोटी सी की दी हुई है। देखिए, इसको कौन सी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये जो तीन की यहाँ पे दी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर आप इसको दबाते हो, इस की को दबाते हो, तो यहाँ पर देखिए की मूवमेंट हो रही है, ये वाली की। इसके एग्जैक्ट ऊपर एक छोटी सी की भी दी हुई है, इसके ऊपर। जब आप ऑक्टेव दबाते हो और छः की छः फिंगर दबाते हो, तो देखिए ऑक्टेव दबाते ही आपकी ये एक छोटी सी की जो है मूव कर रही है, ये भी ऑक्टेव का ही काम करती है। ये कौन से ऑक्टेव का काम करती है? जब आप यहां से मूव करते हो। तो कंफ्यूज मत होइए कि सर हमने ऑक्टेव की दबा रखी है और जब हम इन फिंगर्स मूव करते हैं तो हमारी ये नेक के ऊपर जो ऑक्टेव की है ये मूव नहीं कर रही। ये एक एयर, देखिए इसमें सैक्सोफोन में सारा का सारा खेल जो होता है वो एयर का होता है। आपको इस इंस्ट्रूमेंट से एयर रिलीज करनी होती है। आप किस जगह से वो एयर रिलीज हो रही है उस जगह पे नोट्स बन रहे हैं। और अगर एयर बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए आप यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, ऑक्टेव से रिलीज कर रहे हैं, तो आप यहाँ से एयर निकालना ज़रूरी हो गया है। जो एक्स्ट्रा एयर होती है वो यहाँ से निकल जाती है या यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। तो ऑक्टेव की का जो मेन फंक्शन होता है वो एक नेक्स्ट ऑक्टेव में, नेक्स्ट सप्तक में जाने का होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने छः फिंगर दबाई और आप इनको मूव कर रहे हैं, लेकिन आप बोलेंगे कि सर हमारा ये ऊपर से ये मूव नहीं कर रहा, शायद सैक्सोफोन में कोई ख़राबी आ गई है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऑक्टेव दबाते ही नोट की आवाज़ भी चेंज हो जाती है, वो हाई नोट्स में चला जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मैंने बताया कि जब आप ऑक्टेव दबाते हो, ऑक्टेव दबाने के बाद अगर आपकी ये की भी मूव नहीं कर रही, छोटे वाली की, तब आप कह सकते हो कि हो सकता है कि छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम हो इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से ये कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो चुका होगा। और
अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा एक जो हमारा जी नोट से सरगम कैसे प्ले की जाती है। माफ़ी चाहूँगा कि मैं बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू होता हूँ, लेकिन मेरा शेड्यूल इतना बिजी होता है कि मैं टाइम नहीं दे पाता। लेकिन आगे से आपसे वादा करता हूँ कि वीक में मेरी 102 वीडियो ज़रूर आएंगी। आप कंटिन्यू मेरे चैनल को देखते रहिएगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि जी नोट से सरगम कैसे बजाई जाती है। आज मैं बताऊंगा कि जी नोट से सरगम बेस में कैसी बजाई जाती है, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हाई ऑक्टेव में यानी कि तार सप्तक में जी नोट से यही सरगम कैसे बजाई जाती है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जी नोट जो होता है हमारा, जब हम नीचे की लेफ्ट हैंड की ये जो थर्ड फिंगर है इसको रिलीज कर दें, यानी कि तीन फिंगर हमने ऊपर की दबा रखी हैं और दो फिंगर हमने नीचे की दबा रखी हैं, ये हमारा नोट बन रहा है जी। अगर ये तीनों दबा लें तो ये एफ बनता है, ये नीचे वाला छोड़ दे तो जी नोट बनता है, ठीक है सर। तो जी नोट के लिए हम इसको सा बनाते हैं। आप आवाज़ भी सुनिएगा, जब मैं ऑक्टेव दबाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि ऑक्टेव के बाद टोन कैसे चेंज हो जाती है, ठीक है। तो देखिए मैं सा बना रहा हूँ जी से, ये जी बेस का सा है, सा। रे के लिए आप ये ऊपर वाली फिंगर हटा देंगे, यानी कि मिडल फिंगर को दबा के रखेंगे, ऊपर वाली फिंगर, तीन की में से दो की आपने स्टार्ट किया था। अब सा के लिए आपने ये तीन ऊपर वाली दबा रखी हैं, राइट हैंड की दो फिंगर दबा रखी है, सा बना। रे के लिए आप ये इंडेक्स फिंगर में हटा देंगे, ये बनेगा आपका रे। अब गा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने बिल्कुल शुरू में ही बताया था, फर्स्ट जो मेरे ट्यूटोरियल थे फर्स्ट और सेकंड में बताया था कि सैक्सोफोन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपको एक की से भी एक नोट मिल सकता है और एक ग्रुप ऑफ कीज से भी आपको एक नोट मिल सकता है, ठीक है। जो गा के लिए आपको क्या करना है, गा के लिए आप ये थर्ड फिंगर हटाएंगे, लेकिन उसके साथ ही आप ये लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी फिंगर के नीचे देखिए कि ये की है, वो की आप छोड़ेंगे और इसको दबाएंगे, ये बनेगा आपका गा। देखिए कैसे, लेकिन ये एक मूवमेंट में, मतलब विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ये हटा एक साथ इस तरीके से होगा। देखिए गा के लिए मैंने ये हाथ रिलीज कर दिया, लेकिन मैंने ये यहां पे चार कीज दबा रखी हैं, ये मेरा गा बना है, ये जी। तो ये बना आपका, माँ के लिए लेफ्ट हैंड की दो फिंगर, यानी एक छोटी फिंगर जो आपने दबाई थी ये, और एक ये इंडेक्स, ये जो रिंग फिंगर है इसको उठाएंगे, ये आपका बनेगा माँ। पा के लिए नेक्स्ट पा, मिडल फिंगर हटा देंगे, यानी कि अभी आपने सैक्सोफोन पे सिर्फ एक फिंगर टॉप वाली फिंगर दबा रखी है, अभी तक मैंने ऑक्टेव नहीं दबाया है, ये विदाउट ऑक्टेव ही बजा रहा हूँ। उसके बाद आता है धा, सा रे गा मा पा धा। धा के लिए मैं सैक्सोफोन की कोई भी फिंगर नहीं दबा रहा, ना ऑक्टेव दबा रहा हूँ ना कोई और की दबा रहा, ठीक है, ये बनेगा आपका धा। अब आता है नी, सारे गामा पाधा आपने बजा लिया। नी के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, नी के लिए आपको ऑक्टेव दबाना पड़ेगा, छह की छह फिंगर दबानी पड़ेगी, प्लस ये देखिए यहां पे ये दो चाबियां दी हुई हैं, आप
अपनी छोटी राइट हैंड की छोटी फिंगर से आपको ये ऊपर वाली चाबी दबानी है, ये आपका नी बनेगा। यानी कि अगर मैं कहूँ कि आपकी इस टाइम तीन फिंगर ये, एक ऑक्टेव, तीन फिंगर ये और एक ये, यानी कि चार और चार आठ कीज आपकी दबी हुई है नी के लिए। तो ये कैसे बनेगा देखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा लेकिन आपको करना पड़ेगा, तभी आप इसकी सरगम प्रॉपरली बजा पाएंगे। नी के लिए ये भी मैंने दबा दी नी, और नी के बाद सा। मैंने आपको पहले ही बताया था जहां से हम सा शुरू करते हैं सा वहीं पे आता है। हमने सा शुरू किया था जी नोट से, यानी कि ये वाला, जब हमने तीन फिंगर ये दबा रखी थी, ये दबा रखी थी, दो फिंगर यहां से हमने सा बनाया था। तो अभी नी हमारा बन रहा है ये, चार फिंगर यहाँ पे लगी हुई है हमारी, एक से सबसे छोटी, फिर उससे नीचे वाली ये। सा के लिए हम ये नीचे वाले दो फिंगर रिलीज करेंगे, ये हमारा सा बन जाएगा। तो ये बन गया आपका सा रे गा म पा धा नी सा। ये आपका आरोह बन गया। अवरोह में आप इसी को फॉलो करते हुए वापस आ जाएंगे जिस तरीके से आप गए हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ सात छ पाँच चार तीन दो एक। कैसे होगा ये? बताए हुए हैं उसी अलंकार के अकॉर्डिंग इस सरगम में भी आप वही अलंकार बजाएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो इसका फायदा मिलेगा आपको, और कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो सैक्सोफोन के बारे में, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ, 9990915362। जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ आप उस तरीके से करते जाइएगा, आप बहुत जल्द सैक्सोफोन बजाना सीख जाएंगे। सैक्सोफोन बजाने के लिए हमें सीधा सीधा करना क्या है कि हमें इस इंस्ट्रूमेंट को अपने काबू में करना है, अपने कंट्रोल में करना है, जो हम चाहते हैं ये वही बजाए। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी दो या तीन दिन के बाद मैं कोशिश करूँगा, उसमें मैं आपको इसका हाई ऑक्टेव बताऊँगा, इसी सरगम का हाई ऑक्टेव में ये सरगम तार सप्तक में कैसे बजेगी, प्लस मैं आपको एक नया अलंकार दूंगा। और कुछ एक फ्रेंड्स के फ़ोन भी आते हैं मेरे पास कि हमें किसी गाने के नोट्स चाहिए, सो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको नोट्स भी दूँगा। तो मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। कुछ ऐसे लोग जो हमारे रूरल एरिया में रहते हैं, जो सैक्सोफोन सीखना चाहते हैं बट उनके पास ऑप्शन नहीं है कुछ सीखने का, तो वीडियोस देख देख के वो सीख सकते हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे लोगों के फ़ोन आते हैं जो बताते हैं कि सर हम ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं कि जहाँ पे कोई सिखाने वाला नहीं है, लेकिन हम आपकी वीडियोस देख देख के सीख रहे हैं। मुझे वही खुशी होती है, मुझे वही मेरा वर्थ है, वही मेरा फीडबैक है। और मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि आई एम हार्टली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों की तरफ से मुझे इतना प्यार मिल रहा है। अपना प्यार, अपनी दुआएँ बरकरार रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, और मैं कोशिश करता रहूँगा जल्द से जल्द आपके सामने आता रहूँ, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना मुझे पता है मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँ, ताकि आप लोग जल्दी से इंस्ट्रूमेंट को सीख पाए। नमस्कार दोस्तों।